बड़ी खबर चकबंदी को लेकर जिला बदायूं के गांव सिरतौल से आ रही है, जहां गांव के लोगों ने जो लेखपाल के द्वारा पैसे मांगने का जो इल्ज़ाम लगाया था वह कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांव के लोगों ने लेखपाल कपिल और मदन मोहन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें पिछले 6 माह पहले से कपिल का ट्रांसफर बिसौली हो चुका है। पर एडीओ बिलसी सत्यप्रकाश अंजोर ने पैसों की उगाही के लिए कपिल को बिसौली नहीं जाने दिया। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो देखिए अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा। चेक देखा था तो उनको ये कहा उन्होंने कि साहब जहाँ मेरे भतीजों का बना है वहाँ हमको दिया जाए, हमको जो है तालाब के किनारे कुछ ज़्यादा हिस्सा मिल गया है। हमने कहा कि आप ही के परिवार का मामला है, आप आपत्ति दे दो, इधर आ जाएंगे आप उधर चले जाओगे। उन्होंने आपत्ति दे दी, कोई चीज़ नहीं है उसमें। अब सुन रहे हैं कि उसका जो है आरोप लगा रहा है कि उससे 40,000 रुपया मांगा गया, जबकि इससे पहले उनसे कोई संपर्क नहीं हो। गांव के लोगों ने सर कहा है कि कोई कपिल हैं, हाँ, जिनका स्थानांतरण अब से काफ़ी टाइम 6 महीने पहले बिसौली को हो चुका है, हाँ, और वो उन्होंने पैसे की डिमांड की है। हमारे साथी का किया है, वो यहीं पर रहते हैं। ये आरोप है, केवल आरोप है कि चकबंदी रोक दी जाए, केवल रोक, इसलिए आरोप है। सर चकबंदी का मतलब क्या होता है, क्यों कराई जाती है चकबंदी का? मैं बता रहा हूँ चकबंदी का क्या मतलब है। चकबंदी का मतलब है कि इस गांव में जी देखिए करीब 20-25% जमीन ऐसी है जिसकी चकबंदी पहले नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी, पहले भी छोड़ दी गई थी, उसकी भी मालियत लगी हुई है। उन नंबरों में कभी 50 एयर का है, कोई 100 एयर का है, कोई 20 एयर का है। एक नंबर में 10-10 लोग हैं, 15-15 लोग हैं, और एक एक आदमी के जो है यहाँ तक कि 15-15, 20-20 नंबर तक है, और कुल जमीन उनकी बनती है 1 बीघा। मौके पे वो कहीं पर जो है लेके जोत रहे होंगे, हो सकता है वो एग्जैक्टली उनकी जमीन नहीं होगी, लेकिन कहीं पर पोजीशन में होंगे, जोत रहे होंगे, कुछ नहीं भी होंगे पोजीशन में। उनकी हमने मालियत लगा के उनका हिस्सा अलग करके एक जगह चेक बनाया, चाहे 1 बीघा हो, चाहे 0.5 बीघा हो, चाहे 2 बीघा हो, और उनको रास्ता भी दिया। उनको अलग होने से उनका नाम अलग होगा, उनका भूचित्र में रकबा अलग होगा, अभिलेखों में नाम अलग होगा, कभी भी वो अपनी जमीन खरीद बेच सकते हैं। आज की डेट में उनके कौन लेगा, 15-20 घाटे हैं अगर, तो उनकी जमीन को कौन लेगा, कहीं पर नहीं, भले कहीं पर जोत रहे हों, लेकिन वो उनकी अपनी एग्जैक्टली जमीन नहीं है। 15-20 नंबर है, छोटे छोटे नंबर है, किसी में 4 एयर है, किसी में 10 एयर है, वो मैंने उनको अलग कर करके दिया। वहाँ के लोगों का सर कहना है कि काफी गांव में उड़ानचक बनाए गए हैं, तो लगभग कितने उड़ानचक बनाए गए होंगे? उड़ानचक काफी नहीं होंगे, उसकी सर आपके पास लिस्ट वगैरह होगा? वही होंगे जो इसे की पति पत्नी है जी, तो पति के पास पत्नी का चेक बन गया, या उसके बेटे का चेक बन गया, और ऐसे उड़ानचक नहीं मिलेंगे। तो सर आपके पास तो उसकी लिस्ट वगैरह होगी उड़ानचकों की? जी कितने, लिस्ट अलग से नहीं बनाई गई है जी, मिल जाएगी उसकी जी। अगर होगा तो वो उसमें उड़ान में जहाँ पर जगह है और पति पत्नी एक साथ है या बेटे हैं, तो उसी तरह की, ये नहीं है कि किसी के जमीन कहीं पर नहीं हो और उसको हम दे दें या सड़क पर किसी को। वहाँ के लोगों का सर यही कहना है कि एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने किसी को सड़क पे उड़ान बना दिया। नहीं, वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि हमारी जमीन उधर नहीं है करणपुर साइड में, हमारी वहाँ पहुँचा दी करणपुर की तरफ, ऐसा एक भी। और अगर हमने सही कराने की भी डिमांड की तो हमसे पैसों की डिमांड की गई है। मैं कह रहा जैसे कि हमें इतना दीजिए, इतना लीजिए, 4-4, 5-5 आदमी एक एक करके आ जाए, पर्चे लेके जी, 2-4 मुख्य लोग रहे, गांव के मेन लोग रहे, और हमारे अधिकारी भी रहे, मैं भी रहूं, एक एक आदमी आ जाए जो भी शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत जरा देख ली जाए एग्जैक्टली कितनी वो है, उसमें कितनी गलती हुई जो कह रहे हैं गलत जी, बना उनके नंबरों पे जी, और हो सकता है कि जहां वो चाह रहे हो वहां ना बना हो, क्योंकि उन्होंने पहले रुकबंदी में नहीं बताया। आज उसी चीज की आपत्ति होती है, चक आपत्ति से सुन रहे हैं जी। जो जेन्युइन मामले होंगे उसको निस्तारित किया जाएगा, यही नियम है।
और उसमें से बहुत से करे भी गए हैं। ये है मेरे पास, देखिए रूपबंदी, गांव में गया हूँ, ये मैंने लिख के दिए सबको, तीन बार मैंने ये सोचना चाहिए। ठीक है सर, ये दिया, ये बार बार जो है लोग आ रहे, आ नहीं रहे थे, तो ये लास्ट टाइम मैंने जो है दिसंबर में भी मैं फिर गाँव गया, कई लोग बताएगी गांव में बैठा जी, तो बार बार सूचना देने के बाद भी अगर आप अगर बताए होते, नोट कराए होते मेरे पास, और तब आपका नाम बनता, कोई बात फिर भी अगर जो बना है तो बना आपके नंबरों पे ही कहीं ना कहीं है। और अगर ये चाह रहे हो कि साहब यहाँ नहीं, यहाँ तो आप ही के परिवार का कोई आदमी बना, अगर ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ नहीं वहां, तो देख लिया जाएगा कि भाई उसको भी यहाँ कर दो, आप वहां चले जाओ, दो चले हो, हमने इकट्ठे किया है।